गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अपना जो लेसन था 8th क्लास का लेसन नंबर 5th व्हेन पीपल रेबल, जब लोग विद्रो करते हैं, हमने पढ़ा था। हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से जो अंग्रेजों की पॉलिसी नीतियाँ थी, चाहे वो लोकल रूलर थे, शासक थे, पीजेंट्स किसान थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित किया। इससे जो भारतीय लोग थे उनके अंदर लगातार जो गुस्सा था वो बढ़ता चला गया और उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। आज हम बच्चे पढ़ेंगे थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की दृष्टि से, कि जो भी अंग्रेजों के द्वारा चेंजेस किए जा रहे थे, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड था, आर्थिक क्षेत्र था, या फिर सोशल फील्ड था, सामाजिक क्षेत्र था, रिलीजन धर्म के क्षेत्र में, उन परिवर्तनों के बारे में लोग क्या सोचते थे। टू गेट ए ग्लैम ऑफ व्हाट पीपल्स वर थिंक्स दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड 2। अब हम पढ़ेंगे बच्चे म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबिलियंस। अब जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा विद्रोह किया, लेकिन बाद में वो एक लोकप्रिय क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। थ्रो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्स आर नॉट अनयूजुअल। शासन के खिलाफ और शासक के खिलाफ जो संघर्ष है वो कोई असामान्य बात नहीं है। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। कई बार ये जो संघर्ष होते हैं ये इतने वाइड स्प्रेड विस्तृत रूप से फैल जाती हैं और लोकप्रिय हो जाती हैं कि इससे जो विरोध है कहीं ना कहीं वो जो पावर होती है, सत्ता में बैठे लोग होते हैं या जो सत्ता होती है, सरकार होती है, शासन होता है, रूल्ड होता है, वो उसको उखाड़ फेंकती हैं, तोड़ देती हैं। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बिगेन टू ब्लेट दे हैव ए कॉमन एनमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनमी एट द सेम टाइम्स। क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में जो भारतीय लोग थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो उनका एनमी दुश्मन है वो एक ही दुश्मन है, एंड राइज अप अगेंस्ट द एनमी एट द सेम टाइम्स, और उन्हें एक ही समय अपने दुश्मन के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि हर भारतीय था, चाहे वो ट्रेडर था, व्यापारी थे, पीजेंट किसान थे, स्पोइट्स पाई थे, सभी को ये लगना शुरू कर दिया कि जो उनका एनमी है वो अंग्रेज है और उनके खिलाफ हमें एक साथ मिलकर खड़ा हो जाना चाहिए। फोर्स ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल्स हैव टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट टेक इनिशिएटिव्स एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस और टर्न द सिचुएशन अराउंड। इस प्रकार की परिस्थितियों में ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल्स हैव टू ऑर्गेनाइज, एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं संगठित होना शुरू हो जाते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेट होता है, संप्रेषण जो होता है, संचार जो होता है वो बढ़ जाता है। टेक इनिशिएटिव्स एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, इससे जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनका जो विश्वास होता है वो इतना अपने आसपास एक विश्वास में, एक ऐसी परिस्थिति में बदल जाता है। सच ए सिचुएशंस डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। इसी प्रकार की जो एक परिस्थिति थी वो भारत के उत्तरी भागों में 1857 के दौरान विकसित हुई। आफ्टर ए हंड्रेड ईयर्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रेबिलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857 एंड थ्रेटनेड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। अब लगभग अंग्रेजों के द्वारा जो विजय प्राप्त की थी और जो अंग्रेजों का प्रशासन था उसको लगभग 100 साल हो चुके थे, क्योंकि
क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने जो पहली भारत में विजय प्राप्त की थी वो 1757 1757 की प्लासी की लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जो अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई भारत में उसको स्थापित हुए लगभग 100 साल हो चुके थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रेबेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857। उसके 1757 के बाद 1857 मई में अंग्रेजों को एक बहुत विशाल विद्रोह का सामना करना पड़ा एंड थ्रेटनिंग द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। और इस ये जो विद्रोह हुआ 1857 में इसने कहीं ना कहीं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भयभीत कर दिया। स्पोइज म्यूटनीड इन सेवरल प्लेस बिगनिंग फ्रॉम मेरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबिलियंस। सबसे पहले जो सैनिक थे उन्होंने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया और सबसे पहले जो ये विद्रोह था वो मेरठ में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबिलियंस। और जो अलग अलग समाज के वर्गों के लोग थे वो भी क्रांतिकारियों के साथ उठ खड़े हुए। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइजेशन इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अनेक जो इतिहासकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, कॉलोनाइजेशन होता है उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था कि अंग्रेजों ने जो अलग अलग दुनिया में देशों को जीतता हुआ था, 19वीं शताब्दी के दौरान पूरी दुनिया में जो विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ होने वाला ये सबसे बड़ा विद्रोह था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली तक। ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को ए यंग सोल्जर्स मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को एक नौजवान सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था उसको हैंग टू डेथ, फांसी की सजा दे दी गई फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर, बैरकपुर में अपने अधिकारियों के ऊपर हमला करने के कारण। जो मंगल पांडे था उसने अपने अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया और कई ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनकी हत्या कर दी। इसके लिए उसको बाद में पकड़ लिया गया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, सम स्पोइज ऑफ रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल्स यूजिंग द न्यू क्वालिटीज। कई जो सैनिक थे मेरठ में रेजिमेंट के अंदर, उसमें अनेक सैनिकों ने जो सैनिक अभ्यास किया जाता है, ड्रिल जो किया जाता है उसके, और जो न्यू क्वालिटीज नए कारतूस थे उनके साथ सैनिक अभ्यास करने से इनकार कर दिया। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, क्योंकि सैनिकों को ये अंदेशा था, उनको शक थी कि ये जो कार्टिज कारतूस हैं जो उनको लोड करने पड़ते थे बंदूकों में, इसके ऊपर गाय और सुअर के फैट चर्बी का लेप लगा होता है। 85 स्पोइज वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। जब सैनिकों ने इन नए कार्टिज न्यू कार्टिज को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो लगभग जो 85 सैनिक थे उनको उनकी सेवा से हटा दिया गया, उनकी नौकरी से हटा दिया गया एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग डियर ऑफिसर, और अपने अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण इन सभी सैनिकों को 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई। दिस हैपनिंग ऑन 9 मई 1857, ये जो घटना थी ये 9 मई 1857 को हुई।
द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो मेरठ की घटना थी इसके प्रति जो भारतीय सैनिकों की जो प्रतिक्रिया थी वह बहुत अधिक थी। ऑन 10 मई को द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजनेड स्पोइज। जो सैनिक थे उन्होंने मेरठ के अंदर उन्होंने जेल की तरफ जो मेरठ में जेल थी उसकी तरफ प्रस्थान किया और जो 85 सैनिकों को जेल में डाला गया था उनको छुड़वा लिया। दे अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमले किए और उनकी हत्याएं की। दे कैप्चर्स गन्स एंड एम्यूनेशंस एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्स वॉर ऑन द फिरंगीज। बाद में इन सैनिकों ने जो बंदूकें थी उनके ऊपर और जो एम्यूनेशन था गोला बारूद था उसको अपने कब्जे में लिया और जो अंग्रेजों की बिल्डिंग थी और जो उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी थी उनको आग के हवाले कर दिया एंड डिक्लेयर वार ऑन फिरंगी। और उन्होंने फिरंगी ये जो वर्ड है ये फिरंगी अंग्रेजों के लिए यूज किया जाता था और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सैनिकों को ये पूरा विश्वास था कि वो अंग्रेजों के शासन का अंत कर देंगे देश के अंदर। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय शासन कौन चलाएगा। द सोल्जर हैड एन आंसर दिस क्वेश्चन। सैनिकों के पास इसका एक उत्तर था द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर कि हमारा जो नेता होगा हम ब्रिटिश शासन का तो अंत कर देंगे लेकिन जो हमारा नेता होगा जो देश के ऊपर शासन चलाएगा। सैनिकों का उत्तर था कि जो अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर द्वितीय वो हमारा नेता होगा। द स्पोइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन अर्लियर हावर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरठ के अंदर अंग्रेजों का सफाया करने के बाद जो स्पोइज सैनिक थे सिपाही थे उन्होंने 10 मई को दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दिया और वो अगली सुबह लगभग 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। एज न्यूज ऑफ दियर अराइवल स्प्रेड। और जैसे ही दिल्ली में मेरठ के सैनिकों के आने का समाचार पहुंचा फैला द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रेबिलियंस। जो सैनिक रेजिमेंट होती है सैनिक टुकड़ियां जो दिल्ली में अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां थी उन्होंने भी क्रांति कर दी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड। दोबारा से फिर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सीज। और जो हथियार थे गोला बारूद था उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। बिल्डिंग सेट फायर्स ऑन फायर्स अंग्रेजों की इमारतों को आग लगा दी गई। ट्रंप सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट वेहर द बादशाह लिव। ट्रंप का मतलब होता है विश्वास से भरे हुए। जो विश्वास से भरे हुए सैनिक थे वो लगभग लाल किले की दीवार के आसपास इकट्ठा हुए जहां पर बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह रहता था। डिमांडिंग टू मीट हिम। सैनिकों ने उससे मिलने की मांग की। द एम्पायर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। हालांकि जो शासक था बहादुर शाह जफर वो अंग्रेजों की सर्वोच्च शक्ति को चुनौती नहीं देना चाहता था उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बट द सोल्जर प्रजिस्टेड। लेकिन सैनिकों ने उसको मनाने की कोशिश की उसको तैयार किया। दे फोर्स फोर्सेड दियर्स वे इन टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज दियर लीडर। जो सैनिक थे उन्होंने जबरदस्ती महल के अंदर प्रवेश किया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। द एजिंग एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। हालांकि जो वृद्ध था बूढ़ा जो शासक था बहादुर शाह जफर
उसकी काफी एज हो चुकी थी, 80 साल से भी ज्यादा एज हो चुकी थी उसकी। तो उसने सैनिकों की ये मांग स्वीकार कर ली और वो उनका नेता बन गया। ही रोट लेटर टू ऑल द चीफ एंड द रूलर्स ऑफ द कंट्री टू केम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। बाद में जो बहादुर शाह जफर था, उसने भारत के जितने भी शासक थे, सरदार थे या छोटे मोटे जितने भी राजा थे, उनको लेटर लिखा, एक पत्र लिखा और संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक कॉन्फेडरेसी, एक लीग बनाने का एक उसने आग्रह किया। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। जो ये एक ही जो स्टेप लिया गया था उसके द्वारा, जो प्रयास किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा, इसका बहुत बड़े प्रभाव देखे गए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि मुगल जो वंश था उसने एक समय भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड द चिफ्टियंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। और अधिकतर जो छोटे छोटे शासक थे या सरदार थे, वो मुगल शासकों की तरफ से ही अक्षेत्रों के ऊपर शासन करते थे, कंट्रोल करते थे। थ्रेटनेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, क्योंकि अब जितने भी शासक थे वो सारे अंग्रेजों के शासन के विस्तार से, एक्सपेंशन से डरे हुए थे। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट, अधिकतर जो छोटे मोटे भारतीय राजा थे ये महसूस करते थे इफ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन, कि यदि मुगल शासक दोबारा से शासन करे, दे टू वुड बी एबल टू रूल दियर वन टेरिटरीज वंस मोर, उनको दोबारा से फिर वो अपने क्षेत्रों के ऊपर शासन करने के योग्य हो जाएंगे अंडर द मुगल अथॉरिटी, मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, लेकिन अंग्रेजों ने इसके घटित होने की कभी भी उम्मीद नहीं की थी। दे दाउ द डिस्टर्बेंस काज बाय द इश्यूज ऑफ द कार्टीज वुड डाई डाउन, कि उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि भाई एक छोटे से कार्टीज जो कारतूसों से चला हुआ जो विषय था वो इतना फैल जाएगा और देश में इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। बट वह उनको लगता था कि ये जो विषय है कार्टेज का, जो विषय है कारतूस जो थे जिनके ऊपर फैट लगा होता था पिग और काऊ का, जिससे भारतीय सैनिक नाराज थे क्योंकि हिंदू जो सैनिक थे वो गाय की फैट को, चर्बी को मुंह नहीं लगा सकते थे, और जो मुस्लिम सैनिक होते थे वो पिग की जो होती थी स्किन फैट उसको मुंह नहीं लगा सकते थे, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह किया था। अंग्रेजों को ऐसे लगता था कि ये जो कॉल्टीज का विषय है ये थोड़े दिनों में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रेबिलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर ने सैनिकों के साथ वो जुड़ा, उनको अपना आशीर्वाद दिया, इससे जो पूरी की पूरी परिस्थिति थी वो बड़ी नाटकीय ढंग से परिवर्तित हुई। ऑफ्टन वेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्स एंड एथियोज, जैसे ही लोगों को लगा कि अब उनके पास एक अल्टरनेटिव है, उनके पास एक ऑप्शन है, एक उनके पास संभावना है, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। उनके अंदर एथियोज का मतलब होता है विश्वास से भर जाना, और कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो प्रेरित हुए। इट गिव्स देम्स द कैरेज, इससे जो लोग थे उनको कैरेज मिला, उत्साह उनको मिला, होप उनको एक नई आशा मिली एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, और एक नया विश्वास मिला प्रतिक्रिया करने का, कार्य करने का। द रेबिलियन स्प्रेड, विद्रोह का फैलाव। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जैसे ही अंग्रेजों को दिल्ली से उखाड़ फेंका गया, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, लगभग एक सप्ताह तक किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। इट टुक दैट मच टाइम फॉर
न्यूज़ टू ट्रैवल, क्योंकि उस समय जो कम्युनिकेशन था, संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तो दिल्ली में जो मेरठ में जो घटनाएं हुई उनको फैलने में लगभग 1 सप्ताह लग गया देश के अंदर। देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन, तो फिर क्या हुआ, क्रांतियों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, एक सैनिक टुकड़ी से दूसरी सैनिक टुकड़ी में म्यूटिनी क्रांति होनी शुरू हो गई, एंड टुक ऑफ टू ज्वाइंस अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर जो सैनिक थे, चाहे वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ थे, एक रेजिमेंट या दूसरे जो तटस्थ सैनिक होते थे वो आपस में मिलना शुरू हो गए। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड द विलेज ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियंस। इसके बाद जो कस्बों में रहने वाले लोग थे और किसान थे वो भी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए, उन्होंने भी क्रांति कर दी एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स। और ये जो किसान या स्थानीय लोग थे ये अपने स्थानीय जो शासक थे उनके आसपास संगठित हुए। जमींदार एंड द चीफ हु वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लाइश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, ऐसे जमींदार या सरदार जिन्होंने अपनी व्यवस्था कायम की थी और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। नाना साहिब द अडोप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म फोर्सेज एंड एक्सप्लीट द ब्रिटिश गैरिसन्स फ्रॉम। जो पेशवा बाजीराव था, जो नाना साहिब था पेशवा बाजीराव का गोद लिया हुआ पुत्र, उसने भी कानपुर के आसपास जो सैनिक थे उनको संगठित करना शुरू कर दिया। और जो एक्सप्लीट द ब्रिटिश गैरिसन, गैरिसन होता है छावनी, कि जो अंग्रेजों की छावनियाँ थी उनके ऊपर हमला किया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और बाद में जो नाना साहिब था उसने अपने आप को पेशवा होने की घोषणा कर दी। अंग्रेज जैसे कि महाराष्ट्र में जो शासक होते थे वो अपने आप को पेशवा कहते थे। ही डिक्लेयर्स दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर, उसने घोषणा कर दी कि वो एक गवर्नर होगा बहादुर शाह जफर के शासन के अंतर्गत इन लखनऊ। इन लखनऊ ब्रिटिश ब्रिजेश कादर्स द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। और जो लखनऊ था वहाँ पर जो नवाब था, पहले जो ब्रिजेश कादर का लड़का था, ये डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्स द न्यू नवाब, उसने भी अपने आप को नए नवाब के रूप में घोषणा की। ही टू एक्नोलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, उसने भी बहादुर शाह जफर की जो शासन व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जो उसकी माँ थी हजरत महल, उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में एक सक्रिय रूप से भाग लिया। इन झांसी, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंस द रेबल्स पोएट, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो विद्रोही सैनिकों के साथ जुड़ी एंड फोर्ट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे द जर्नल ऑफ नाना साहिब। और उसने उस समय जो नाना साहिब का जर्नल था सेनापति, तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया। द ब्रिटिश वर जर्नली आउट नंबर्स बाय द रेबल्स फोर्सेज, दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स। हालांकि जो अंग्रेज थे वो जो क्रांतिकारी, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन और वो कई युद्धों में अंग्रेजों की हार भी हुई। दिस कॉन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड एंड गेव देम टू कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रेबिलियंस। इससे लोगों के अंदर ये विश्वास हुआ, जब कई युद्धों में अंग्रेजों की हार हुई तो लोगों के अंदर ये विश्वास आया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, उनके शासन को का अंत किया जा सकता है,
इसलिए अंग्रेजों ने लोगों ने बड़ी मात्रा में क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। ए सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबिलियंस डिवलप इन द रीजन्स ऑफ अवध इन पार्टिकुलर। इसी प्रकार की एक विस्तृत विद्रोह की जो स्थिति थी वो अवध के आसपास विकसित हुई। ऑन 6 अगस्त 1857 6 अगस्त 1857 को वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंट बाई द लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर्स टू हिज कमांडर्स इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर हेल्ड बाई द ब्रिटिश। इसी प्रकार 1857 के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर के द्वारा अपने कमांडर इन चीफ के द्वारा को भेजा गया एक टेलीग्राम हमें प्राप्त होता है जिसमें वो अपने डर को व्यक्त करता है। जिसमें टेलीग्राम में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर कहता है आवर मैन आर कोविड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस। इसमें वो भय व्यक्त करता है कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो गए हैं और एक कभी न समाप्त होने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रत्येक जो ग्रामीण लोग हैं या जमींदार हैं हर व्यक्ति हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। मैनी न्यू लीडर्स केम अप। इस दौरान अनेक नए नेता सामने आए। फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह ए मौलवी फ्रॉम फरीजाबाद फैजाबाद ए प्रोफेस दैट द रूल्स ऑफ बाकी लेसन कल पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक ही आपने पढ़ना है। यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मेरे से और यदि कोई समस्या है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।